इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। जिन दर्शन पर अटूट उसका श्रद्धान है, बीत रागता पर उसका संपूर्ण भरोसा है, बीत रागता के आयतनों को ही उसने स्वीकार किया है, अनायतनों से बच रहा है, मूढ़ताओं से बच रहा है, मिथ्यात्व से बच रहा है, गर्व अहंकार इसमें के भावों को दूर कर रहा है, निरंतर सावधानी रख रहा है, खान पान में कुलाचार के योग अष्ट मूल गुणों का पालन कर रहा है, मद्य मधुमांस का त्याग करके, पांच उदंबर फलों का त्याग करके, शब्द व्यसन की प्रवृत्ति से दूर हो गया है, ये उसकी जो चर्या बनी है सम्यक दर्शन की भूमिका में, इसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा गया है। कई विद्वान आचार्यों की इस व्याख्या को नहीं पकड़ पाए और भ्रमित हो गए और उन्होंने अपनी मनगढ़ंत व्याख्या करना शुरू कर दी। और क्या व्याख्या शुरू कर दी? अनंतानुबंधी कसाय के जाने पर सम्यक दर्शन की भूमिका में स्वरूपाचरण चारित्र हो जाता है। क्या कहा? स्वरूपाचरण चारित्र। अरे स्वरूपाचरण चारित्र की भूमिका तो बहुत आगे की है, स्वरूपाचरण चारित्र की व्याख्या ही अलग प्रकार की है। चौथे गुण स्थान में तो वैसे भी कोई चारित्र नहीं है, फिर स्वरूपाचरण चारित्र कहां से आ गया? अगर चारित्र का कोई संदर्भ थोड़ा सा जुड़ा भी है तो केवल वो सम्यक्त्वाचरण के रूप में, जिसकी व्याख्या आपके सामने कर दी गई। स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं? यथाख्यात चारित्र को अगर अध्यात्म की भाषा में व्याख्या की जाए, आगम की भाषा में नहीं, आगम की भाषा में, तो यथाख्यात चारित्र ही नाम रहेगा। लेकिन अध्यात्म की व्याख्या में अगर कोई चर्चा करें तो उसी यथाख्यात चारित्र को अध्यात्म की चर्चा में स्वरूपाचरण चारित्र कह दिया गया है। स्वरूपे चरणम यत् चारित्रम तत् स्वरूपाचरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में लीन होकर के जो चारित्र पल रहा है वो स्वरूपाचरण चारित्र है। स्वरूप की लीनता कब तक नहीं आ सकती? जब तक कि कसाय की कणिका भी तुम्हारे अंदर विद्यमान है, तब तक यथार्थ आत्मा का शुद्ध स्वरूप आपको प्रतिभासित नहीं होगा, आपके अनुभव में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक कसाई की कणिका भी है तब तक यथाख्या चारित्र नहीं। दसवें गुणस्थान तक कसाई का अंश है तो दसवें गुणस्थान तक यथाख्या चारित्र की चर्चा नहीं। जैसे ही कसाई का पूर्ण उपशमन हुआ, ग्यारहवें में उपशम अवस्था, अगर छह करके ऊपर बढ़ा तो बारहवां गुणस्थान छायक अवस्था, निष्कसाय भाव में स्वरूप का अनुभव, स्वरूप का दर्शन उसे स्वीकार किया है। सामायिक छेदोपस्थापना ये चल रहे हैं अभी भी, परिहार विशुद्धि अभी इस काल में नहीं, सूक्ष्म सांपराय, सांप्राय कसाय अभी सूक्ष्म किया है, बादर लोभ, फिर सूक्ष्म लोभ, दसवां गुणस्थान सूक्ष्म लोभ, अभी भी बाधक तत्व मौजूद है। और जैसे ही दसवें गुणस्थान को पार किया, उपशांत कसाय सत्ता में है
लेकिन समित है पूर्ण रूप से। मटमैला पानी था लेकिन पूर्ण रूप से कीचड़ नीचे बैठ गई, ऊपर ऊपर उजला उजला साफ सुथरा पानी, ये उपशम। और अगर ऊपर ऊपर का पानी निकाल लिया, कीचड़ अलग, छह अवस्था, छायक भाव। ऐसे यथाख्या चारित्र को ही अध्यात्म की दृष्टि से टीकाकारों ने समयसार, प्रवचनसार आदि ग्रंथों की व्याख्या करते हुए स्वरूपाचरण स्वरूपाचरण चारित्र व्याख्यायित किया है। चौथे गुण स्थान में नहीं, सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा के प्रति श्रद्धान हो गया, आत्मा पर पक्का भरोसा हो गया, जीव तत्व पर भरोसा हो गया, लेकिन जो भरोसा किया है उसकी अनुभूति में अभी समय लगेगा। क्यों? क्योंकि तत्व की व्याख्या में निश्चय पहले नहीं आता है, पहले व्यवहार ही आता है, और व्यवहार के पहले तत्व के निर्णय की अवस्था आती है, पहले निर्णय, निर्णय के अनुसार फिर व्यवहार, और व्यवहार से आगे बढ़कर के, व्यवहार से ऊपर उठकर निश्चय का अनुभव किया जाता है। ये आगम की व्याख्या है जो आचार्यों और गुरुओं ने हम सभी को प्रदान की है। सम्य शिखर जी जाना है, सम्य शिखर जी जाना है, जाना कि नहीं जाना, इस महीने जाना, उस महीने जाना, अभी द्वंद चल रहा है, अभी दुविधा में हो, तय नहीं कर पा रहे, अभी जाएं कब जाएं, अभी जाएं कब जाएं, फिर ऐसा करते करते पक्का कर लिया कि अब तो शिखर जी जाना ही है। ये जो पक्का किया है ये क्या है? ये निर्णय है। इस पक्के करने को निश्चय नहीं कहा जा सकता। कुछ भ्रमित विद्वान इस पक्के करने के परिणाम को, भाव को नक्की कर लिया हमने तो इसको क्या कहते, निश्चय कहने लगे। व्यवहार की भाषा में इसे निश्चय भी कह दें तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि पक्का कर लिया हमने तो निश्चय कर लिया। निर्णय करने के रूप में अगर निश्चय कहे तो भी कोई बाधा नहीं है, लेकिन व्यवहार के बाद आने वाले निश्चय को पक्के करने के रूप में नहीं है, वो तो अनुभव करने के रूप में निश्चय है। उसकी व्याख्या संवेदन के रूप में है, उसकी व्याख्या आत्मा के शुद्ध तत्व के अनुभव करने के रूप में है। इसलिए सबसे पहले आपने तय किया शिखर जी जाना है, पक्का कर लिया, मंडामाडोल हो रहा था, पक्का कर लिया जाएंगे। अब जब पक्का कर लिया, निर्णय कर लिया, तो तद योग आपको ये तय करना पड़ेगा, ट्रेन से जाएं या अपनी फैमिली के साथ गाड़ी लेकर के जाएं, महाराज मार्ग से जाएं या राजमार्ग से जाएं। कटनी से दोनों मार्ग खुलते हैं, ये पुराना वाला बनारस वाला तुम्हारा ये राजमार्ग कहलाता है। अब आचार्य श्री ने जब से कटनी से सीधा रास्ता निकाला अंदर अंदर का, तो ये महाराज मार्ग बन गया। अब तय कर रहे किस मार्ग से जाएं, फिर क्या क्या साधन लेकर के चलें, वहां जाकर के वंदना करेंगे, एक दिन विधान करेंगे, अभिषेक आदि का लाभ लेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर क्या क्या लेकर के चले। ये जो सामग्रियां जुटाई जा रही हैं ये सब व्यवहार का मार्ग है, और उस निर्णय के अनुसार जो आप कार्य करना प्रारंभ कर रहे हैं, जाना शुरू कर दिया, ये सब व्यवहार का मार्ग है। साधन और साधन के साथ प्रवृत्ति, ये व्यवहार का मार्ग है। फिर जब आप शिखर जी पहुंच गए, धर्मशाला में पहुंच गए, मधुबन में अभी भी व्यवहार चल रहा है,
स्थान मिल गया, अभी भी व्यवहार है। सुबह सुबह तैयार हो गए, अभी भी व्यवहार है। पहाड़ी पर आगे बढ़ गए, अभी भी व्यवहार है। चले जा रहे, अभी भी व्यवहार है। जय जयकार बोल रहे, अभी भी व्यवहार है। दर्शन करके पहाड़ी दृश्यों को देख करके अच्छा लग रहा, अभी भी व्यवहार है। और जब टोंक पर पहुंच गए और वहां उस टोंक पर जिन भगवान की टोंक है वहां स्मरण करके और अर्घ समर्पित करके आंख बंद करके कायोत्सर्ग में जो आपको अनुभव हो रहा है, आप अपने लक्ष्य के अनुसार उस निश्चय के अनुभव पर पहुंच गए। ये तो यात्रा का वृत्तांत हो गया। परमार्थ के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में सम्यक दृष्टि भव्यात्मा अपने परमार्थ का लक्ष्य सुनिश्चित कर लेती है। और जब चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो वह व्यवहार के मार्ग को स्वीकार करते हुए, जैसा कि आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के चारित्र चूली का अधिकार में एक भव्यात्मा अपने परिवार को अपना निर्णय सुनाते हुए परिवार से जब अनुमति लेता है और विरक्त होकर के मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है तो क्या पद्धति है, उस पद्धति को लिखा गया है। और गुरु की शरण में पहुंच करके निवेदन करता है, फिर गुरु उसकी भावनाओं को परख करके समझ करके उसे निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा प्रदान करते हैं, व्रतों को प्रदान करते हैं, सर्वारंभ परिग्रह का त्याग करके महाव्रतों को अंगीकार करता है। महाव्रतों के साथ फिर उसे समितियों का आदि आदि शेष व्रतों का भी व्याख्यान किया जाता है, संकल्प दिया जाता है। ये व्यवहार चारित्र को स्वीकार करके फिर वह समय समय पर अपने ध्यान के बल पर शुद्धोपयोग की भूमिका में जाता है, उसका व्यवहार निश्चय का मोक्ष मार्ग है। शुद्धोपयोग अर्थात आत्मा के अनुभव की अवस्था शुद्ध रूप में, इसके भी तीन भेद कर दिए गए हैं। शुद्धोपयोगस त्रिविधा, शुद्धोपयोग भी तीन प्रकार का, जघन्य सप्तम गुणस्थान से गुप्ति और ध्यान की अवस्था में जघन्य शुद्धोपयोग, मध्यम शुद्धोपयोग श्रेणी के रूप में, और उत्कृष्ट शुद्धोपयोग जो साक्षात डायरेक्ट केवल ज्ञान के निकट पहुंच रहा है, मोहिनी कर्म के क्षय में कारण बन रहा है, ऐसा शुद्धोपयोग जो केवल ज्ञान को प्रदान कर रहा है वह उत्कृष्ट शुद्धोपयोग है। ऐसे परम लक्ष्य को पाने के लिए सम्यक दृष्टि भव्यात्मा लालायित रहती है। घर में रहकर के भी बेचैनी महसूस करती है, छटपटाती है, और ऐसा मान करके चलती है कि भले ही पुण्य योग से वैभव सुख सुविधाएं बहुत हैं, पर सम्यक दृष्टि भव्यात्मा ये मान करके चलती जैसे वह कैद खाने में बंद हो और कब छुटकारा मिले, ऐसा भाव उसके अंदर अंदर चलता रहता है। अभी पूजा की जा रही थी गुरुवर की, बहुत अच्छे से पंक्तियां पढ़ी जा रही थी, साध और आगे क्या है, नहीं साधक का नहीं है, अब पढ़ने लगे हो बात अलग है, गलत छप गया हो बात अलग है, लेकिन भाव उसमें क्या है, मूल क्या है, साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। साध और साधक नहीं, साधक तो साधना करने वाला है, साध जो हमारा लक्ष्य है परम परमार्थ वो साध है, और साधक के लिए उस साध को पाने के लिए माध्यम क्या है, साधन। वह साधक
परमार्थ के उन साधनों से उस साध्य को प्राप्त करता है। लेकिन इसमें हमारी कमी क्या रह गई? साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। साध्य क्या था और उस साध्य को पाने के लिए साधन क्या थे, हमने इसका अंतर नहीं समझा। परमार्थ साध्य है, उस परमार्थ को पाने के लिए रत्नत्रय साधन है। रत्नत्रय साधन है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। क्या कहा? मोक्ष नहीं कहा, मोक्ष नहीं कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग मार्ग कहा है। मार्ग किसका? मोक्ष का मार्ग कहा है। लेकिन ये तो हो गया साधन, मार्ग जो है वो साधन माना जाता है। और मंजिल क्या है? सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, मंजिल मोक्ष है। उसका स्वरूप क्या है? सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। यहां नहीं कहा, यहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। इस मार्ग पर चल करके इन साधनों से परमार्थ साध्य क्या प्राप्त होगा हमारे लिए? सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, सभी प्रकार के कर्मों से जो छुटकारा हमारे लिए मिलेगा वह मोक्ष की अवस्था है। उस मोक्ष की अवस्था में त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, सिद्ध महंत का अरिहंत महंता नहीं कहा। क्यों? अरिहंत अगर कहेंगे तो नौ कर्म मौजूद है, द्रव्य कर्म में अघातिया कर्म मौजूद है, भाव कर्म खत्म हो गया बात अलग है, लेकिन द्रव्य कर्म नौ कर्म मौजूद है। इसलिए शुद्ध तत्व में सिद्धों की व्याख्या क्या की गई? वर्जित त्रिविध कर्म मल, तीनों प्रकार के कर्म के मलों से रहित कौन? सिद्ध भगवान, सिद्ध महंता, सिद्ध परमेष्टि हैं। कौन से? त्रिविध मल कर्म मल, भाव कर्म राग द्वेष, द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि, घातिया घातिया, नौ कर्म शरीर। ये तीनों कर्म मलों से रहित सिद्ध भगवान है। अब ऐसे साधक के लिए ये विचार करना पड़ता है कि साधन कौन है और साध्य क्या है। अगर साधन और साध्य का अंतर ख्याल में रहा तो साधक परमार्थ को आगे बढ़ाता जाएगा। और साधना करते हुए, साधक की साधना में साधन और साध्य का अंतर अगर उन्होंने महसूस नहीं किया और वैसा अंतर करके नहीं चले तो कहीं भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए क्या कहा पंक्तियों में? मोक्ष क्यों नहीं मिलता, लक्ष्य की पूर्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला, अर्थात उसमें अंतर हम नहीं समझ पाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।